सो यार गाइस, इस वीडियो में बात करूंगा कि पेटीएम से कोई भी सिम रिचार्ज कैसे करें। हाँ गाइस, इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि पेटीएम से अपना मोबाइल रिचार्ज कैसे करें। अगर गाइस आप पेटीएम चलाते हैं, अगर आपको मोबाइल रिचार्ज नहीं करना आता है, तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि पेटीएम से कैसे अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते, चाहे कोई भी सिम, चाहे एयरटेल हो जियो हो, रिलायंस तो चलता नहीं है, मतलब BSNL, मतलब वही जियो, चाहे आपका VI का सिम हो, ठीक है, आप अपने घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, वो भी पेटीएम से बिना किसी चार्जेस के। गाइस जितना आप रिचार्ज करेंगे उतना ही पेटीएम से कटेगा। तो रिचार्ज कैसे होता है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, और करके भी दिखाते हैं कैसे होता है। गाइस अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन होगा, प्लीज़ से टच कर दीजिएगा, बराबर में एक नोटिफिकेशन बेल आनी एक घंटे के निशान से टच करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, फ्यूचर में जब भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, तो सब्सक्राइब करें तो घंटी को जरूर दबे। तो गाइस रिचार्ज करने के लिए आप अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं ब्राउजर में ओपन किया, आप एप्लीकेशन इसका ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने अकाउंट क्रिएट किया है, आप क्रिएट कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद अगर गाइस आपको रिचार्ज करना है तो यहाँ पर एक देखिएगा मोबाइल प्रीपेड का ऑप्शन आएगा, अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ से आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मेरा आ चुका है, तो सिंपली इस पर आप हम ओपन कर देंगे, यानी खोलने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट, ठीक है, तो हमें करना है मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर देखिएगा, जस्ट यहाँ पर लिखा है इंटर योर मोबाइल नंबर, जस्ट यहाँ पर लिखा है ऑपरेटर कौन सा आपका सिम है, वो तो ऑटोमेटिक ले लेता है। उसके बाद यहाँ पर इंटर योर अमाउंट, अगर ऑपरेटर नहीं देता है तो यहाँ से अपना ऑपरेटर सेलेक्ट कर सकते, जैसे कि एयरटेल, BSNL, जियो, NTL, रिचार्ज, यहाँ पर VI। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए, जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, डालने के बाद अमाउंट भी इंटर कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑपरेटर, यहाँ पर मैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है मेरा वो पकड़ लिया, उसके बाद यहाँ पर इंटर अमाउंट बोल रहे थे, मैं अपना अमाउंट इंटर करता हूँ 199 का करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है पर डे 1 GB डाटा 100 में से 3G 4G का आपको स्पीड मिलेगा, कॉलिंग आपका अनलिमिटेड है यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आपका कीजिए चेक मार्क, करने के बाद यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर रिचार्ज नाव पर क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं चेक मार्क कर दिया, रिचार्ज नाव पर मैंने क्लिक भी कर दिया। क्लिक करने के बाद थोड़ा सेकेंड आप वेट कर लीजिए, अगर आपका इंटरनेट फास्ट होगा तो जल्दी हो जाएगा, यार मेरा स्लो है, तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं थोड़ा सेकंड। करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है लोडिंग प्लीज नाउ, यहाँ पर वेट कर लीजिए, लोडिंग ले रहा है। लेने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, अगर गाइस अगर आपके पास है यहाँ पर बोला है कि पेमेंट आप किस चीज़ से करना चाहते हैं, तो गाइस अगर आपका पेटीएम पैसा होगा तो पेटीएम वॉलेट यहाँ पर दिखा देगा, तो मेरा यहाँ पर पैसा नहीं है, जैसे कि मैं अपना SBI कार्ड लिंक किया हूँ, ATM कार्ड का SBI का, तो यहाँ पर लिंक किया हूँ, तो यहाँ पर बोला है कि CVVI डालिए और पे पर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पर मैं CVVI नहीं डालूंगा, मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे तो बहुत तरह से पेमेंट कर सकते हैं, अगर डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, आपके पास ATM कार्ड है तो उसे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास भीम UPI है तो किसी बैंक से कर सकते हैं, अगर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं पेमेंट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप ATM कार्ड की बात करें तो ATM कार्ड सभी के पास होता है, तो ATM कार्ड में क्या करना है, यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद कार्ड के ऊपर देखिए लिखा है एक्सपायरी डेट, वो डाल दीजिए, उसके बाद CVVI नंबर डाल दीजिए। डालने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, वो डालने के बाद पे नाउ पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद OTP आएगा, डाल लीजिए, डालने के बाद आपका हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर पे सारा चीज़ भर लेता हूँ, पे नाउ पर क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पर मेरे ATM कार्ड से 199 यहाँ पर कट चुका है, कटने के बाद मेरा रिचार्ज हो चुका है यहाँ पर सक्सेसफुली, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है, उसके बाद नीचे भी सक्सेसफुली लिख देगा, आपका पेटीएम ऑर्डर नंबर ये आ जाता है, उसके बाद आपका टैक्स ID ये आ जाता है, जो कि आपका रिचार्ज सक्सेसफुली हो चुका है। तो इसी तरह आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक बाय।